चिराग पासवान भी जबान खोलेंगे तो हमें भी जबान खोलना पड़ेगा। इससे अनुरोध है कि अगर एनडीए में है तो अपने वजूद और हक और हकूक के साथ रहें। अगर धमकी देंगे तो हम धमकी बर्दाश्त करने वाले नहीं। हमारा एजेंडा साफ है कि हम नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम कोई सीट शेयरिंग को हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार में चुनाव है, चुनावी साल है और इस बीच महागठबंधन को छोड़कर जीता ना माझी एनडीए के पाले में यूं कहते नीतीश कुमार को हाथ को मजबूत करने के लिए चले आए हैं, लेकिन उनके आने के वजह से चिराग पासवान को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा जो खबरें आ रही है कि नाराज चल रहे चिराग पासवान कि नीतीश लगातार पिछले कई महीनों से जो है चिराग पासवान नीतीश कुमार की कार्यशैली पर आवाज़ उठा रहे थे। गठबंधन में होने के बावजूद भी वो गठबंधन में नहीं दिख रहे थे। कयास ऐसा लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में यानी कि चुनाव से पहले हो सकता तो चिराग पासवान जो है एनडीए को छोड़कर महागठबंधन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने जीतन मांझी को अपने खेमे में लिया है, यूँ कहे तो महागठबंधन के साथ लाया है, तब से चिराग पासवान की जो एक्टिविटी है लगातार बढ़ गई है। यहाँ तक उन्होंने संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई है, बैठक में भी निर्णय लिया जाएगा। और खबर यह भी है कि अब जो है नीतीश कुमार के खिलाफ जो चिराग पासवान अपनी उम्मीदवार उतारेंगे यानी कि नीतीश कुमार को सीधे तौर पर टक्कर देने के लिए, मात देने के लिए वो अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन इस बीच जवानी नाराजगी को लेकर बातचीत हुई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान से, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए हम आए हैं, हमको बस उनसे मतलब है, कौन नाराज़ है कौन नहीं, और क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए आप। देखिए, हमारे एनडीए में आने से कौन नाराज हो रहा है कौन खुश है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एजेंडा साफ है कि हम नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम कोई सीट शेयरिंग को हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं। रही बात अगर नीतीश कुमार जी के खिलाफ चिराग पासवान भी जबान खोलेंगे तो हमें भी जबान खोलना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान ये धमकी दे रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स के खिलाफ वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी के सीटों पर हम भी अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इससे अनुरोध है कि अगर एनडीए में है तो अपने वजूद और हक और हकूक के साथ रहें। अगर धमकी देंगे तो हम धमकी बर्दाश्त करने वाले नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।